बहुत ही आसान और हंड्रेड परसेंट इफ़ेक्टिव हनी फेशियल आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ जिसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन एकदम से ग्लोइंग और हेल्दी होकर आप लोगों को दिखेगी हंड्रेड परसेंट आपको रिज़ल्ट मिलेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले आपका फेस एकदम क्लियर होना चाहिए और अपने बालों को अच्छे से आप टाई कर लो पीछे की तरफ इसके लिए सबसे सब फर्स्ट स्टेप है क्लिनजर कोई भी हम मार्केट वाला फेशियल भी यूज करते हैं उसमें भी सबसे सब पहला स्टेप क्लिंजर होता है इसमें भी हम क्लिंजर ही यूज करेंगे तो सबसे सब पहले हम लेंगे रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध थोड़ा सा कॉफी और थोड़ा सा शहद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे अच्छा सा क्लिनजिंग मिल्क हम बना लेंगे क्लिनजिंग मिल्क रेडी कर लेंगे हम अच्छे से जो रॉ मिल्क होता है वो हमारी स्किन से सारी डर्ट पॉल्यूशन को निकालने का वर्क करेगा और जो हमारी हनी है वो हमारी स्किन को डीपली जाके नरिश मॉइस्चराइज करेगा और जो हमने इसमें कॉफ़ी को यूज़ कराया वो हमारी स्किन के ऊपर जितनी डर्ट पॉल्यूशन डार्कनेस होगी वो सारी रिमूव करेगी अगर किसी भी कॉटन पैड की हेल्थ से या नॉर्मल आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो उसको लेके आपको अच्छे से अपने फेस पर क्लीन करना है आपको आराम से तीन से चार मिनट तक इसको आराम से क्लीन करना है जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले आपको बिल्कुल धीरे धीरे से सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करते हुए इसको अच्छे से सारी डर्ट आपको अपने फेस के निकाल लेनी है और इसके बाद अपने फेस को वाइप आउट या वॉश आउट कर लेना है और आपको अच्छे अच्छा खासा अच्छा रिज़ल्ट मिले इसके लिए आपको आपका जो बाउल है एकदम क्लीन होना चाहिए क्योंकि हम होम रेमिडीज़ को ट्राई अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पर तो आपका बाउल जिस बाउल में आप रेमिडी को बना रहे हो वो बाउल आपका एकदम क्लियर होना चाहिए इस तरह से आपको सर्कुलर मोशन में जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं आप इस तरह से कर सकते हो आप चाहें तो इस क्लिनजिंग मिल्क को एवरी डे एवरी मॉर्निंग आप इसको एज अ फेस वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हो अब आपको एक सॉफ्ट सा कपड़ा लेना है हैंकी लेना है कुछ भी ले सकते हो आप नॉर्मल पानी की हेल्प से आप इसको अपने फेस को अच्छे से वाइप आउट कर दो अब आप लोग देख सकते हो इसके क्लिनजिंग के बाद ही मेरे फेस पर कितना अच्छा खासा ग्लो आ गया और आप सारी जितनी डर्टनेस थी सारी अच्छे से फेस पर से निकल गया आप इसको एवरीडे भी यूज़ कर सकते हो सेकंड स्टेप के लिए हम स्टार्ट करेंगे स्क्रबिंग स्क्रबिंग के लिए मैं अपना पहले एक छोटा सा दो रुपये वाला जो शैशे आता है इसमें से मैं स्क्रबिंग के लिए कॉफ़ी को ले रही हूँ मेरा फेस डीपली जाके नरिश रहे मॉइस्चराइज रहे अच्छे

पेस्ट बने और इसलिए मैं एलोवेरा ले रही हूँ और हनी भी ले रही हूँ मैं कुछ काम करूँ और वो ना बिगड़े तो हो ही नहीं सकता हनी ज़्यादा निकल गई कोई बात नहीं मैं हल्का सा कॉफ़ी पाउडर और निकालूंगे और तो अच्छा सा पेस्ट अच्छे से रेडी कर लेंगे और ये हमारा बन के स्टार्ट हो गया है स्क्रबिंग स्क्रबिंग क्या करता है हमारी हमारे जो पोर्स होते हैं उनके अंदर से डीपली जाकर नरिश करता है डीपली जाकर क्लीन करता है हमें मंथ में एक बार इसका एक्सोलेशन ज़रूर करना चाहिए अगर हम फुल फेशियल कर रहे हैं तो मंथ में एक बार कर सकते हैं और अगर आपकी एज ट्वेंटी फाइव से ऊपर है तो आप महीने में दो बार भी फेशियल कर सकते हो और आपको वीक में वन टाइम तो अच्छे से अपनी स्किन को डीपली नरिश करना चाहिए डीपली क्लीन करना चाहिए आपको अच्छे से एक्सोलेशन करना चाहिए जब हमने स्क्रब लिया है उस स्क्रब को अच्छे से हम लोग अप्लाई करेंगे आप अच्छे से सर्कुलर मोशन में फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से अपनी नोज़ के अराउंड जो जो आपको मतलब लग रहा है कि ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स आ गए हैं आपकी स्किन अच्छे से नरिश हो जाएगी क्लीन हो जाएगी डी जाकर जो इसमें कॉफ़ी हम लोगों ने डाली है वो हमारी स्किन की सारी डेड स्किन को हटाएगा डेड स्किन की लेयर जो भी थी सारी उसको हटाएगा सारे फेस पर से जितने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स थे उनको लूज़ करेगा जिससे कि हमारे वो ब्लैक हेड व्हाइट व्हाइट हेड्स अच्छे से निकल जाए कॉफ़ी अच्छे से हमारी बॉडी की डर्ट पॉल्यूशन को निकाल देता है और उसके बाद जो हमने एलोवेरा और हनी डाला है मेरी स्किन को टाइटन ब्राइटन अप और मॉइस्चराइज़ करने का वर्क करेगा आप लोग देख सकते हो रिजल्ट आप लोग के सामने है आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में जाकर मेरा फेस देख सकते हैं एंड अब मेरा फेस आप आफ्टर एक्सपोलेशन भी आप मेरा फेस देख सकते हैं स्क्रब के बाद काफ़ी अच्छा खासा मेरे फेस पर से सारी डर्ट पॉल्यूशन सारी निकल चुकी है ये फेशियल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है आप आगे फेस्टिव सीजन्स भी आ रहे हैं करवा चौथ आ रही है दिवाली आ रही है काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं दो बार आप इसको टेन टेन डेज़ में दस दिन में आप एक बार इस फेस वॉश को करें आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा अब हम बनाएंगे मसाज क्रीम इसके लिए मैं जस्ट हनी ले रही हूँ और हनी के बाद में जस्ट थोड़ा सा एलोवेरा ले रही हूँ इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप चाहें तो इसमें वाइटामिन ई का कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने नहीं करा क्योंकि एलोवेरा में भी वाइटामिन ई जो होता है वो पूरा भरपूर मात्रा में होता है अच्छे से मैं इसका पेस्ट बना के क्रीम बना के मैं इसी से ही मसाज अपनी करूँगी मसाज हमारे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है हमारी स्किन से रिंकल्स फाइन लाइंस को कम करती है हमारे फेस को रिफ़्रेश करती है और हमारे फेस का जो ब्लड होता है उसको इंक्रीज़ करती है और हमारे हमें काफ़ी फ्रेश फ्रेशनेस फील कराती है तो जब हमने इसमें एलोवेरा और हनी डाला है ये दोनों ही हमारी स्किन को डीपली जाकर नरिश करते हैं डीपली जाकर क्लीन करते हैं हमारे फेस के ऊपर से अगर हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई है ज़्यादा ऑयली है उसको भी मेनटेन करने में हेल्प करते हैं अगर ड्राई है तो ड्राइनेस को कम्पलीट खत्म करते हैं और अगर हमारी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो उस ऑयलीनेस को ख़त्म करते हैं मेक श्योर sure आप इस फेशियल को नाइट में करें नाइट में ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि आप इसके बाद आराम से सो सकते हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं अगर आप लोग दिन में इसको करेंगे तो क्या होगा आपको बाहर निकलने बाहर निकलना है काम के लिए तो बाहर आप लोग क्या करेंगे बाहर जाएंगे तो एस वी एफ लगा कर निकलेंगे सनस्क्रीन लगा कर निकलेंगे और काफी डर्ट पॉल्यूशन की वजह से आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि आपको नाइट में मिलेगा तो आपको मेक श्योर sure आप नाइट में अच्छे से कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डे में भी इसको कर सकते हैं 24 घंटे तक आपको अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाना है जितना हो सकता है पानी उतना पीना है लिक्विडी जितना हो सकता है उतना खाना पीना है आपको उतना पानी पीना है आपको ध्यान रहे जो आप मसाज करेंगे सारी अपलिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ आपको सारा मसाज करना है ये फेशियल बहुत अच्छा फेशियल है बहुत बड़े बड़े पार्लरों में जो महंगे महंगे फेशियल होते हैं उन फेशियल्स को ये मार देता है इतना अच्छा फेशियल है आपकी स्किन पर से सारा डर्ट पॉल्यूशन सब कुछ ही निकाल देता है और कोई फेस वॉश वगैरह यूज़ मत करना इसको करने के बाद इस स्टेप से आपका आपकी स्किन में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बूस्ट होता है आपकी स्किन अंदर से हेल्दी होकर निकलती है अंदर से ग्लोइंग होकर निकलती है तो आपको काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है कम से कम दस या पंद्रह मिनट तक मसाज करने के बाद आपको अपने फेस को वाइप आउट कर देना है मसाज करते ही आपको हैंड टू हैंड इंस्टेंटली रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन जो है वो ब्राइटन अप हो गई है टाइटन हो गई है आपकी स्किन पे इलास्टिक इलास्टिसिटी बढ़ रही है और आपको इतना प्यार हो जाएगा अपनी स्किन से आप डेली नाइट में डेली इस हनी से और एलोवेरा से आप दोनों को मिलाकर मसाज एवरी नाइट कर सकते हैं मुझे अपनी स्किन से प्यार हो गया इस फेशियल के बाद बहुत अच्छा फेशियल लगा था मतलब मैंने काफ़ी टाइम से स्किन केयर नहीं किया था क्योंकि थोड़ा इश्यू हो गया था थोड़ा मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी इस वजह से तो आज मैंने कई किया तो मतलब इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला अब इसके बाद एक फेस पैक बनाएंगे जिसके लिए मैंने बेसन लिया है बेसन के बाद मैंने उसी शैशे से थोड़ी सी कॉफ़ी डाल ली है आधा मैंने स्क्रब के लिए कर लिया था आधा फेस पैक के लिए अब मैं हनी को डाल रही हूँ और उसके बाद एलोवेरा जेल को डाल रही हूँ अच्छे से मिक्स करने के बाद आ, मिक्स करने के बाद अगर आपकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं हो रही है तो आप इसमें रॉ मिल्क डाल सकते हैं अच्छे से ना ही आपको ज़्यादा रनिंग करना है और ना ही आपको ज़्यादा थिक करना है तो आपको अच्छे से कंसिस्टेंसी रखनी है जो कि आपके फेस पर लग जाता है लगने के बाद आप लोग देख रहे हो कितना प्यारा फ़ेस पैक ये बन के रेडी हुआ है बहुत प्यारा फ़ेस पैक था बहुत बड़े बड़े फेस पैक को ये मात देता है और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है आप चाहें तो इस फेस पैक को एवरी डे एवरी नाइट लगा सकते हैं डेली रात को आप लगाकर सो सकते हैं इसको Uh, दोपहर में लगा कर सो सकते हैं आप इसको डेली लगाएंगे तो आपकी स्किन से जितनी भी इशू हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी वो धीरे धीरे रिड्यूज़ होने लगेंगी पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल है एलोवेरा जेल और हनी है जो कि आपकी स्किन को अच्छे से डीपली जाकर नरिश करते हैं कॉफ़ी है जो आपकी स्किन को डीपली जाकर क्लीन करती है बेसन है जो आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है बीस मिनट तक रखने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरा फेस पैक जो है वो लग चुका है बीस मिनट के बाद आप लोग इसको रखेंगे सूखने के बाद पूरा ये नहीं सूखेगा क्योंकि इसमें एलोवेरा और हनी डाला हुआ है तो वो पूरा नहीं सूखने देगा इसको तो बीस से पच्चीस मिनट तक रखने के बाद आपको इसको अपवर्ड डायरेक्शन में हटाना है तो आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है वीडियो में आपको रिज़ल्ट खुद देख रहा है कोई फिल्टर नहीं है वीडियो में कोई भी नहीं है रिज़ल्ट मतलब फ्रेशनेस जो है ना फ्रेशनेस हैंड टू तो हैंड दिख जाती है आपको स्किन के ऊपर आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में जाकर देख सकते हो क्या रिजल्ट था मेरी क्या हाल था मेरे स्किन का मेरी स्किन का फिर डल ड्राई डैमेज हो गई थी डर्ल पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी डार्क सर्कल्स डार्क स्पॉट्स और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स तो इतने हो गए थे पूछो मत इतनी गंदी स्किन हो गई थी इसके बाद स्किन काफ़ी अच्छे से हो गए अभी रुको रुको फेस में वॉश कर लू फेस वॉश करने के बाद ओहो बस प्यार हो गया है अपनी स्किन से इस फेशियल के बाद आप लोग बिल्कुल ट्राई करो फेस्टिव सीजन आ रहे हैं आप लोग देख सकते हो रिजल्ट फ्रेंड्स वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो थोड़ी सी भी हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल के सब्सक्राइब के बाद आप लोग मेरे बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कॉमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि आप लोग इस करवा चौथ क्या पहन रहे हो और फेशियल आप घर से कर रहे हैं या फिर बाहर पार्लर में जाकर कर रहे हैं अभी हमारा स्टेप क्लियर नहीं हुआ है आपको मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है अपनी स्किन पर तो मॉइस्टर मॉइस्चराइजर के लिए मैं एलोवेरा जेल का ही यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर जो केमिकल फ्री हो जो ऑर्गेनिक हो आप उसको यूज कर सकते हैं और सर्कुलर मोशन में ज्यादा मलना नहीं है आपको नॉर्मली अच्छे से मसाज करके कुछ नहीं करना अब आपको रिलैक्स होकर सो जाना है क्योंकि हम लोग फेशियल नाइट में कर रहे हो अगर नाइट में कर रहे हो तो आप लोग लगाकर सो जाओ अगर नहीं कर रहे तो आप लोग लिप बम वगैरह लगा के पूरा अच्छे से स्किन केयर करने के बाद आप लोग अपनी स्किन को थोड़ा फ्री छोड़ दो थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है उसको और चौबीस घंटे तक अपनी स्किन पर कुछ नहीं लगाना फ्रेंड्स वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखनी है कमेंट बॉक्स में आकर बताइए बाय बाय फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में